अगर आपने भी कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है और आपको उस चैनल के थ्रू लाइव जाना है, बहुत सारे लोग अपना फेस दिखा करके भी लाइव जाना चाहते हैं और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बस हम लाइव जाएं बट हमारा फेस ना दिखे, तो यूट्यूब चैनल पे कैसे लाइव जाना है ये पूरे स्टेप्स मैं बताऊंगा और ये सब कुछ स्मार्टफोन के जरिए बताऊंगा, यानी कि आपका जो मोबाइल है उसके थ्रू आप लाइव कैसे जा सकते हो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहली बात, आपका जो भी चैनल है, पुराना है या फिर नया है, उस पर कम से कम 50 सब्सक्राइबर्स अभी के टाइम में होने चाहिए, ठीक है। कम से कम अगर 50 सब्सक्राइबर्स होते हैं तो आप अपने चैनल पर लाइव जा सकते हो। दूसरी बात, अपने चैनल पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखना आप, और आपके चैनल पर किसी भी तरीके का कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं रहने चाहिए। मैं स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ, कॉपीराइट क्लेम की नहीं बात कर रहा। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक अगर आपके चैनल पे एक भी नहीं है तो आप लाइव जा सकते हो। अब सपोज करो कि आपने आज ही चैनल बनाया, ठीक है, अब चैनल बनाया है, लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं आपके चैनल को, सब्सक्राइबर्स आप कहीं कहीं से भी अरेंज कर रहे हो, तो सपोज करो कि आज अभी 50 सब्सक्राइबर्स आपके कंप्लीट हो गए, 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, तो ऐसा नहीं है कि 50 सब्सक्राइबर्स अभी कंप्लीट हुए तो अभी के अभी ही आप अपने चैनल पे लाइव जा पाओगे, मतलब 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के 24 घंटे बाद आप अपने चैनल पर लाइव जा सकते हो, ठीक है। और आपकी मर्ज़ी है, आप फेस दिखा करके लाइव जाओ या फिर विदाउट फेस, और ये स्टेप्स कैसे करने हैं वो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, पूरा प्रोसेस कैसे करना है चलिए डिटेल में सीखते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन में यूट्यूब एप्लीकेशन को सिंपल से ओपन करना है, ठीक है। जब यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन होगा तो यहाँ पर नीचे देखना प्लस का आइकन दिखता है, इस पर एक बार क्लिक करना, प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आएगा, शॉर्ट्स के आएंगे, वीडियो चेक के आएंगे, और यहीं पे लाइव का ऑप्शन, लाइव वाले ऑप्शन पे आपके जाना है, ठीक है। लाइव वाले ऑप्शन पे जब आप जाओगे, ये अभी बैक कैमरा ऑन है आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रंट कैमरा ऑन है, फिर यहाँ पे बैक कैमरा ऑन हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से कैमरा चेंज कर लेना। अब मान लो कि आपको अपना फेस नहीं दिखाना, बैक कैमरा इस तरीके से ऑन किया और उसके बाद फ़ोन को इस तरीके से बेड पर या कहीं पर भी रख दिया, ठीक है। अब बैक कैमरा ऑन रहेगा, कुछ दिखाई नहीं देगा किसी को, लाइव जा सकते हो, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ जब हो जाएंगी तो उसके बाद यहाँ पे लाइव वाले पे हम आएंगे, उसके बाद यहाँ पे पेंसिल का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद टाइटल है, टाइटल में जो आपकी मनमर्जी वो लिखो कि लाइव चैनल चेकिंग, लाइव वीडियो, जो भी लिखना है जो लिख दो। जैसे मैंने लिख दिया लाइव चैनल चेकिंग मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद विजिबिलिटी पब्लिक रहनी चाहिए, नॉट मेड फॉर किड्स ही रखना आप, ठीक है। गो लाइव टुगेदर, अगर आपको किसी और के साथ लाइव जाना है तो इसको इनेबल कर देना। उसके बाद लाइक लोकेशन आप ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, यहाँ से स्क्रीन कास्ट करना है तो वो भी कर सकते हो, शेड्यूल भी कर सकते हो कि कब हम वीडियो को पोस्ट करेंगे, मतलब कब लाइव जाएंगे, एक टाइम भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे शेड्यूल लेटर पे क्लिक करोगे तो अपना एक यहाँ पे क्लिक करके टाइम सेट कर सकते हो कि इस टाइम पे हम लाइव जाएंगे, आपकी मनमर्जी, और एकदम से उसी टाइम लाइव जाना है तो ऐसे करेंगे। फिर एडवांस सेटिंग्स पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे चैट अलाउ कर देना, अलाउ रिएक्शंस भी ऑन रखना, दिस वीडियो कंटेन्स पेड प्रमोशन, अगर मान लो लाइव में आप पेड भी कर रहे हो, मतलब लाइव वीडियो में कुछ पेड भी करना है तो इसको आप ऑन कर सकते हो या फिर ऑफ रखना, देन यहाँ से बैक आ जाना। ये सब कुछ जब आप कर लोगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये नॉट मेड फॉर किड्स ही रहेगा, फिर नेक्स्ट क्लिक किया हमने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपलोड थंबनेल का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पेंसिल पे क्लिक करना, एडिट थंबनेल, टेक थंबनेल, अपलोड थंबनेल। तो अब आप जब भी लाइव जा रहे हो, जिस भी वीडियो के लाइव जा रहे हो, जिस भी तरीके के वीडियोज के लिए लाइव जा रहे हो, तो यहाँ से पहले ही आपको थंबनेल बनाकर रख लेना है। आपको तो पता रहेगा ही कि आप अपने वीडियो में किस टॉपिक पे लाइव जाने वाले हो, ठीक है। तो जिस टॉपिक के लिए लाइव जाओगे उससे रिलेटेड थंबनेल बना करके रख लेना, और यहाँ से आ करके उस थंबनेल को सिलेक्ट कर लेना। सपोज करो कि ये मेरा थंबनेल है, ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये थंबनेल सेलेक्ट किया, देन ऊपर सेव का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही सेव पे क्लिक करूँगा ये थंबनेल यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। अब जब थंबनेल सेव हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए गो लाइव का एक बटन है, अब गो लाइव पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही गो लाइव पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, और इसको ऑन कर दूँगा, अब देखिए मैं अपने चैनल पर लाइव हूँ, मैं अपने चैनल पर लाइव जा चुका हूँ। यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आप देख रहे होंगे लाइव यहाँ पे टाइमिंग चल रही है, और मेरा बैक कैमरा ऑन है, इससे मैं किसी को दिख भी नहीं रहा हूँ और मैं लाइव भी हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। और अगर आप फ्रंट कैमरे से भी कर रहे हो तो फ्रंट कैमरे को ढक लो, ये पेपर से ढक लो, कुछ से भी ढक लो, और कैमरा से आप कुछ दिखेगा भी नहीं और आप लाइव भी रहोगे। तो ये मैं अभी लाइव हूँ, अब मैं जितनी देर तक मेरी मर्जी करेगी मैं लाइव रहूँगा। उसके बाद प्लस पे क्लिक करोगे आप तो स्टार्टअप पोल पे, पोल का ऑप्शन है, स्टार्टअप पोल पे क्लिक करके आप पोल भी ले सकते हो, लोगों के ओपिनियंस ले सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ करके उसी टाइम एट ए टाइम ये सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे शेयर का बटन दिखेगा, शेयर भी कर सकते हो अपने लाइव सेशन को। यहाँ पे क्लिक करोगे
तो चैट फिल्टर्स मतलब किस तरीके के लोग कमेंट्स करेंगे वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ये जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके अभी अब कैमरा भी आप चेंज कर सकते हो, फ्रंट या बैक जो भी है। ठीक है, मैंने फिर से बैक कर दिया। यहाँ पे माइक को म्यूट भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप चाहो तो फिल्टर्स भी लगा सकते हो, जो भी फिल्टर थोड़ा लगे कि हाँ ये फिल्टर मेरे मतलब अच्छा लग रहा है तो वो फिल्टर लेकर के टिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करके आप हाईलाइट भी सेव कर सकते हो, मतलब टिक करोगे तो वो वीडियो का वो हिस्सा हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, और इस पार्ट पे क्लिक करके फ्लैश लाइट भी ऑन कर सकते हो, मतलब फ्लैश जलाना फ्लैश ऑन करना है फ़ोन का तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके फ़ोन का फ्लैश भी ऑन हो जाएगा। अगर नीड है आपको तभी ये करना, वरना मत करना। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें इसी तरीके से चलती रहेंगी। अब जब ये सब कुछ हो जाएगा, मान लो कि अब लाइव आपको बंद करना है तो ऊपर यहाँ पे कट का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, कट करोगे तो आर यू श्योर यू वांट टू स्टॉप स्ट्रीमिंग, तो देन ओके हाँ मुझे अब मतलब मेरा लाइव मुझे बंद करना है। तो अब मैंने लाइव बंद कर दिया है तो इस तरीके से थोड़ा देर के लिए प्रोसेस होगा, फिनिश हो गया। ठीक है, अब कितने व्यूज आए, कितने कमेंट्स आए, क्या रेट रहा, ड्यूरेशन कितनी रही, सब कुछ यहाँ पे शो होगा। देन डन पे क्लिक करना। ठीक, अब डन पे क्लिक करोगे तो देखना क्या होगा, लाइव चैनल चेकिंग, ये प्रोसेसिंग हो रहा है, ये प्रोसेसिंग हो रहा है। उसके बाद ये प्रोसेस होने के बाद मतलब समझ लो कि आपके चैनल पे ये अपलोड हो रहा है, फिर उसके बाद ये पोस्ट हो जाएगा, फिर ये हर किसी को दिखाई देगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक किया है, एडिट पे क्लिक किया है, एडिट पे क्लिक करने के बाद देखना ये प्राइवेट है, विजिबिलिटी को क्या कर देना पब्लिक, यहाँ पे आना और सेव कर देना। इससे क्या होगा कि ये वीडियो जो हमने अभी लाइव गए थे ये हर किसी को दिखाई देगा। ठीक है, और आप लाइव भी चले जाओगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी YouTube चैनल के जरिए लाइव जा सकते हो, YouTube पे चेहरा दिखा करके करना हो तब भी, या फिर चेहरा ना दिखाना हो तब भी।